जैसे कि आप जो प्रॉपर नॉलेज सीखना चाहता है वो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करे, या तुक्केबाजी जल्दी नहीं, एंडलेस पूरी तरह से सिखाया जाता है। ये हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, कहाँ से अपना नाम बताइए? मेरा नाम अमोल है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं आप, तो आपने जैसे एक पेज खुला हुआ है, सबसे पहले हम यही बात करते हैं, क्या है बताइए? वो ये चार्जिंग आईसी का सेक्शन है। चार्जिंग आईसी का सेक्शन है, बीक्यू आईसी बोलते हैं उसको। बीक्यू, हाँ। तो ये क्यों बनाया? बस मैं ये तो ऐसे ही आपसे पूछ लिया क्योंकि ये आपने ऐसा खोल के रखा हुआ था। हाँ। तो पहले तो यही बताइए, आपने ये जो बनाया है ये घर आपने, मैं शुरू से अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं पेज के नॉलेज यहाँ पे सारी दी गई है, कौन से पेज में क्या सेक्शन है। जो आप एक चार्ट देखते हैं, तो मैं यहाँ पे लाइव चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, कि जो आप एक चार्ट कहीं देखते हैं ये चार्ट मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। ये आपने काम किया है कि ऐसे ही बना दिया आपने? सर काम किया। ये आप कंटेंट देख सकते हैं, थोड़ा कंटेंट पे जूम करेंगे, कितने कंटेंट? ये 94 कंटेंट है, ये जेन्युइन है 94 कंटेंट। ओके, तो मैं पूरे तो नहीं दिखाऊंगा पर एक आपको यहाँ पे हाईलाइट दिखा देता हूँ, और अभी देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो भी क्लास है हमारी स्टेप बाय स्टेप। तो ये आप पहले से बना के लाए थे कैसे टेलीकॉम से बना? पहले से कुछ भी मालूम नहीं था सर। अगर एक भी पेज का कुछ भी हम अगर बात करें, कोई भी आईसी की हम बात करें, ये जो कॉयल है, ये जो रजिस्टर है, ये जो कैपेसिटर है, ये जो आपके सेक्शंस है, तो ये प्रॉपर आपने काम करके बनाया कि ऐसे कुछ आपको कुछ नोट दे देंगे? नहीं सर, काम करके कंपोनेंट के बारे में आईसी का जो है, ये जो आईसी आपने बनाई है, अगर आपको कोई भी आईसी, कोई मीडियाटेक क्वालकॉम की आईसी बता दी जाए, कौन सी पावर, कौन सी नेटवर्क, कौन सा पीएफओ, कौन सा सेक्शन है, तो आप बता पाएंगे? बता सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये स्टूडेंट अगर हम पन्ने पलटेंगे तो 94 पेजेस हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा इनो खुद का। तो चलिए, आप पहले से काम करते थे? नहीं सर, पूरी तरह फ्रेशर। पूरी तरीके से फ्रेशर थे। अब आप फ्रेशर है क्या? नहीं, अभी कैसे फ्रेशर? अभी आप फ्रेशर अभी नहीं है। तो जो स्टूडेंट आपको देख रहा है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? जो ज्वाइन करना चाहता है सर टेलीकॉम, तो क्यों ज्वाइन करे? क्योंकि जो आपने बनाया है तो आपकी क्लास है ये। अगर आप इसको देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि हम क्लास में, तो क्यों ऐसा टेलीकॉम ज्वाइन? सर मैं पूरी तरह से पहले से फ्रेशर था, कंपोनेंट के बारे में किसी भी तरह का नॉलेज नहीं थी, आईसी के बारे में पूरी कोई भी नॉलेज नहीं थी। यहाँ आने के बाद पूरी अच्छी तरह से डिटेल्स में समझाया जाता है, और हर एक सेक्शन का रोज एक नोट बनाना पड़ता है, तो आगे जाके अपने ही काम में आ सकता है। और इसे टेलीकॉम फ्रेशर स्टूडेंट क्यों ज्वाइन करे? बस जैसे कि आप जो प्रॉपर नॉलेज सीखना चाहता है वो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करे, या तुक्केबाजी जल्दी नहीं, या हर एक एंडलेस पूरी तरह से सिखाया जाता है। चलिए।